सर नमस्ते। सर मैं CGL की तैयारी कर रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि कोई कोर्स लेना इस टाइम पे मेरे लिए सही है। देखिए तीन बातें यहाँ पे कि आप किस फेज में हो। मान लेते हैं कि आप ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में हो और अब आपको CGL की तैयारी करनी है। कोर्स के बिना तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सही सवाल होना चाहिए कि क्या मुझे कोई कोर्स खरीदना चाहिए या मुझे यूट्यूब से ही पढ़ाई करनी चाहिए। दोनों से ही सिलेक्शन होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइफ में कितने डिसिप्लिन हैं और आप कितने स्ट्रक्चर्ड हैं और आपको कितनी समझ है कि कोई आपको सच में सिखाना चाह रहा है या कोई आपका काट रहा है। ये आपको देखना है। मान लेते हैं कि आपको इतनी समझ है। मैं समझता हूँ कि अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में तो इतनी समझ आपके पास नहीं होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स लो, लेकिन आप 2-3 महीने यूट्यूब पर भी स्क्रॉल करके ये सीख सकते हो कि अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो SSC है क्या, इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, कितने दिन तैयारी करनी पड़ेगी। और इस दौरान मान लेते हैं आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो तो आपको टारगेट करना चाहिए कि आप CHSL का एग्जाम टारगेट करो अगर आपको आगे CGL निकालना है। तो मान लेते हैं कि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और अब ये आपका पहला ही अटेम्प्ट है अभी, और आपकी एक बेसिक तैयारी है, आपको बेसिक अच्छे से आता है, लाइक आप इंजीनियर हैं या आपने ग्रेजुएशन में गणित पढ़ा है या फिर आपका 12th तक गणित अच्छा था और आपको लगता है कि गणित मेरे लिए उतनी मुश्किल नहीं है, तो भी आप 3-4 महीने की तैयारी में निकाल सकते हो। अब ये आपको देखना है कि यूट्यूब से पढ़ के कहीं ऐसा तो नहीं है आप पढ़ाई यूट्यूब पे 1 घंटा कर रही हैं और 2 घंटा समय खराब कर रही हैं। अगर ऐसा है तब तो आपको कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत है, अन्यथा मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे जितना कॉन्टेंट है आज मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बच्चों का कॉन्टेंट से भरोसा उठ गया है, जबकि ऐसा नहीं है। चाहे मैं हूँ या और भी बहुत ऐसे शिक्षक हैं हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पर भी जिन्होंने शिद्दत से वाकई में सब कुछ पढ़ा रखा है। जितने भी हमारे यहाँ A to Z बैच आए हैं, चाहे वो साइंस का बैच हो चाहे मैथ्स का बैच हो, मैं ऑलमोस्ट 1100 वीडियो पढ़ा चुका हूँ। मतलब एक बच्चा अगर चाहे तो यूट्यूब से पढ़ के बहुत अच्छी रैंक ला सकता है। सिलेक्शन तो छोटी बात है, लेकिन वही है कि वो पढ़ना चाहता है नहीं, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे जितने हैं नुकसान उतने ज़्यादा हैं। यूट्यूब पर पढ़ने का फ़ायदा है कि भाई आपका पैसा नहीं लगेगा, समय तो लगेगा। अगर आपने वो समय के लिए और वीडियोज में जाया करना शुरू कर दिया तो फिर आपके लिए मुश्किल है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हैं कैसे। अगर आपको अब बचे हुए 4 महीने में निकालना है और आपको लगता है कि यार यूट्यूब में समझ नहीं आ रहा कि मैं सिलेबस पूरा कर पाऊंगा नहीं, तो आप कोई भी टारगेट ओरिएंटेड बैच लेके पढ़ाई कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है। और पैसा नहीं है तो फिर आपको यूट्यूब से ही तैयारी करनी है और अपने मन को दबा के रखना है कि अभी जो भी टेम्परेरी फन है, कॉमेडी वीडियोज हैं, रोस्टिंग वीडियोज हैं, कंट्रोवर्सी हैं, इन सबसे मैं अपने आप को कैसे बचाऊँ, क्योंकि ये सब तो होता रहेगा। सर आपने बिल्कुल ठीक बोला, मैं ग्रेजुएशन हूँ, अंडर ग्रेजुएट हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ग्रेजुएशन यानी कि मेरी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो भी टाइम से चलती रहे और मैं अपनी तैयारी भी जो है वो भी टाइम से करती रहूँ, ताकि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ मैं अपना CGL के एग्जाम को दे पाऊँ। हाँ, तो आप वही आप रूटीन बना लीजिए कि मैं रोज 3 घंटे कॉलेज से आने के बाद पढ़ूंगी और 3 घंटे में मुझे ये 2 सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं। मुझे मैथ्स अभिनय मैथ से पढ़ के खत्म करना है, मुझे साइंस SSC अभिनय मैथ से पढ़ के खत्म करना है। या फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास तो पैसे भी हैं और मैं यूट्यूब फोन में नहीं रखती, बहुत मेरा समय खराब होता है, तो आप कोई भी कोर्स ले सकती हो अभिनय मैथ्स ऐप से या कहीं से भी जहाँ पे आपको लगता है कि आपके हिसाब के टीचर हैं, आप किसी टॉपर से भी सजेशन ले सकती हो। तो वह आपके ऊपर है कि आप पढ़ते कैसे हो। फिर आपको करना क्या होगा, जैसे अभी आपके पास वक्त है तो आप नोट्स बनाना चालू रखो। अभी एक बार कोर्स लेके कहीं से भी नोट्स बना लो, उसके बाद जब आप तैयारी में आओगी प्रॉपर तब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना रह जाएगा, क्योंकि नोट्स बनाने की जो स्टार्टिंग की फेज है उसमें 3-4-5 महीने खराब होते ही होते हैं। ठीक है सर, और मेरा बैकग्राउंड जो है वो बायोलॉजी से है, मैथ्स से मेरे को बहुत डर लगता है, इसके लिए क्या करूं मैं? बायोलॉजी से बैकग्राउंड है तो पहली बात तो ये आपकी गलती रही कि आप बायोलॉजी से बैकग्राउंड आपने रखा, आपको बनना चाहिए था डॉक्टर और आप आ गई इधर SSC की लाइन। सर ऐसा होता ना कि फैमिली के अंदर रहते हैं, गवर्नमेंट, पापा जी गवर्नमेंट जॉब पे, मम्मी गवर्नमेंट जॉब पे, तो थोड़ा सा पेरेंट्स अपने से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा भी मेरा जो वो गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, उनको भी पता होगा कि गणित आती थी एग्जाम में, बायोलॉजी से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती थी, बायोलॉजी से नीट निकलता था, AIPMT निकलता था और हम डॉक्टर बनते थे। बट कोई बात नहीं, आपने गलती कर दी है, बट SSC का गणित उतना मुश्किल नहीं है, बस ऐसे ही हवा है कि बहुत मुश्किल है, गणित है तो पता नहीं क्या है। अब तो गणित का वेटेज भी इतना कम हो गया है कि प्री में क्वालिफाइंग है और मेंस में 90 नंबर का आता है, तो उतना मायने नहीं है। और अगर आपने गणित 10th तक तो पढ़ी होगी ऑलमोस्ट, और 10th वाली गणित आती है, बस उसी को थोड़ा ठीक तरीके से ऐसे पढ़ना है कि आप कम समय में ज़्यादा सवाल कर पाएं। आपने सुना होगा बहुत सारे टॉपर रिकमेंड करते हैं, हमारा एक 88 डेज वीडियो कोर्स है यूट्यूब के ऊपर। हाँ सर सुना है, बहुत सुना है इसके बारे में। तो मेरा वो मेंस का कोर्स है जो मैंने 2017 को बेस मान के 2018 में मेंस में बच्चों को पढ़ाया था और तमाम टॉपर उससे पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं। थोड़ा सा उसमें अपर लेवल था, हाई लेवल था,
तो मैं खुद ही देखता था कि यार ऐसा एक और कोर्स कुछ नया बना दें। तो अभी हमने एक 88 डेज वीडियो कोर्स लेटेस्ट बनाया भी है हमारी ऐप पे, तो वहाँ से भी आप गणित के नोट्स बना के प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर हमने प्रैक्टिस भी डाली है, 15 मॉक टेस्ट भी लाइव करें, ये सारी चीज़ें रखी हैं। और बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे गणित बहुत अच्छे लेवल की सीखनी है, तो आप YouTube से भी वो 88 डेज वीडियो कोर्स पढ़ सकते हो, ए टू जेड क्वांट कोर्स पढ़ सकते हो, ए टू जेड क्वांट 2.0 पढ़ सकते हो। सर बाकी जैसे कि पहले जैसा पैटर्न था, अब पैटर्न में भी बदलाव आया, पहले हम खाली पेपर वन के लिए GS वगैरह पढ़ लेते थे, अब हमें पेपर टू के लिए भी GS पढ़ना है और नए नए सब्जेक्ट्स CGL ने मतलब CGL में ऐड कर दिए, CGL के पूरे SSC ने नए नए सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो थोड़ा सा बर्डन बन जाता है कि एक बायोलॉजी बैकग्राउंड का स्टूडेंट कि नए सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर्स है, जैसे कि करंट अफेयर हमेशा आता है, GS का पोर्शन जो है वो काफ़ी वेटेज लेके आ गया, रीजनिंग है, हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा के अपनी चीज़ों को सॉल्व कर लेते थे क्योंकि पता है पेपर वन ही हमें केवल इन सब्जेक्ट को देना है, पेपर टू में हमें पता है मैरिट निकल ऐसा नहीं, पहले भी लोग नहीं छोड़ते थे क्योंकि पहले प्री के मार्क्स भी काउंट होते थे, अब प्री क्वालिफाइंग हो गया, अगर क्वालिफाइंग हो गया है, अगर मेंस में अभी जीएस नहीं आती तो कोई भी जीएस पढ़ता भी नहीं, उसको लगता है यार मैं तीन सब्जेक्ट से ही क्वालिफाई कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी क्या है क्वालिफाइंग जरूर है लेकिन मेंस में जीएस का इतना बड़ा रोल है, तो आपको अभी से ही जीएस और रीजनिंग को भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे इस बार 312-315 नंबर लाकर भी कंप्यूटर में फेल हो गए, उन्होंने बहुत बड़ी भूल की, तो कंप्यूटर भले ही क्वालिफाइंग है लेकिन आप उसको भी हल्के में नहीं ले सकते, आपको कंप्यूटर की तैयारी के लिए आप ये जरूर कह सकते हो कि मैं प्री के बाद स्टार्ट करूंगा, लेकिन बाकी के जो चार सब्जेक्ट्स हैं उसकी तैयारी में पूरी जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक अभी से करके चलूंगा, ताकि मैं सिर्फ प्रैक्टिस करूं, रिवीजन करूं और मॉक दूं प्री और मेंस के बीच में जो वक्त मिलेगा उसमें। ठीक है सर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही ध्यान में रखते हुए हम चीजों को करते थे, और अब प्रीवियस ईयर क्या खाली एक ही हमारे पास बचा है जो कि अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि अगर हम पूरी तैयारी करें तो हमारा ये सारा का सारी चीजें जो है वो इजीली हो जाएगी और काफी समय भी मिल जाएगा हमें रिवीजन करने का। जैसी सकल वाली एक लड़की कंप्यूटर पढ़ाती भी है SSC अभिनय मेंस पे, बहुत आसान बनाया है उसने कंप्यूटर को, तो आप वहां से भी कंप्यूटर सीख सकती है। सर एक चीज और पूछनी है, काफी लंबे समय तक जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी कहीं ना कहीं जाके ब्रेक हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें कि हम लंबी एक तैयारी कर सके, एक लंबे समय तक कि अपना टारगेट जो रही है उसको कंप्लीट करें, क्योंकि देखो अभी भी मैसेज आ गए ना मेरे पास, तो ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है सर। नहीं देखो, आपने कमाल की बात पूछी है कि कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, देखिए सारी चीजें इंटरेस्ट पे डिपेंड होती हैं, हम 3 घंटे की मूवी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के देख लेते हैं, 10 मिनट के ब्रेक के देख लेते हैं, तो एक तो कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि मैं प्राइम टाइम, हर आदमी का ना एक प्राइम टाइम होता है या हाई टाइम होता है जब उसे कुछ भी आप पढ़ा सकते हो, तो आपको उस दौरान ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए जिनमें आप बोरियत फील करते हो, लाइक GS, सुबह जग के आपको फ्रेश मूड है आप GS पढ़ो, क्योंकि मैथ्स अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो वो आप खराब से खराब टाइम में भी अच्छा परफॉर्म कर लोगे, आपको मजा आएगा गणित पढ़ने में। अब रही बात डिस्ट्रैक्शन की, कि आज के दौर में मोबाइल एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बट बिना मोबाइल के काम भी नहीं है। आज हम जो कहते हैं कि हमें वक्त नहीं मिल पा रहा है, वक्त की कमी है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे पास जैसे आपका मैसेज बजा आपने तुरंत देखा, अब एक व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा तो जिस काम के लिए आप फ़ोन उठाओगे वो काम तो हम भूल ही जाते हैं, उसके बाद मेल आ गए, 3 फेसबुक पे मैसेज आ गए, हाय रिया क्या कर रही हो, अरे तो मैं अभी भी ऑनलाइन देखा, मतलब मैं तो लगा यार रिया दिन में कैसे ऑनलाइन आ सकती है, तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, हाय यार क्या कर रही हो, मेरा तो आज बड़ा मूड ऑफ है, चल गोलगप्पे खाने चलते हैं, तो ये सब चीज़ें तो देखो रहेंगी, और फिर आप वहीं से डाइवर्ट हो जाते हैं, आपको लगता है कि छोड़ना है यार एक ही ज़िंदगी मिली है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है पता है पढ़ते वक्त भी एक ही ज़िंदगी मिली है यार इसको जी लेते हैं, देखो एक स्टेबल लाइफ चाहिए तो अभी के टेम्परेरी फन को मिस करना पड़ेगा, कुछ एक साल कुछ एक महीने, इसी को तपस्या कहते हैं, जो लोग तपते हैं उनको ये अच्छा फल भी मिलता है, तो इसके लिए मुझे जो चीज़ समझ आती है मैं अपने विद्यार्थी जीवन में भी करता था अभी भी करता हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग मुझसे जुड़े हैं कि मैं फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑफ रखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इतना अर्जेंट तो नहीं है, मैं 1 घंटे के अंदर फ़ोन देख लूँगा, या मैं जब पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मैं मम्मी पापा को ये कह के बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ कि मैं अभी 2 घंटे पढ़ाई करूँगा या मॉक दूंगा, उसके बाद बात होगी, कुछ इमरजेंसी हो तो आप रूममेट के नंबर पर कॉल कर लेना, या ऐसी कोई इमरजेंसी होती नहीं है जब तक आप कुछ नहीं कर रहे हो तब तक ना तो आपसे कोई डिसीजन पूछ रहा है ना आपके डिसीजन की कोई वैल्यू है, तो कोई ऐसा आपके साथ इमरजेंसी आती नहीं कि आपके बिना कोई काम रुक रहा है जब आप, हाँ तो इससे अच्छा है कि आप मोबाइल को जो मोबाइल डेटा है जितनी देर आप पढ़ने बैठो स्विच ऑफ कर लो। मैं बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स और बहुत बड़े बड़े लोगों को भी जानता हूँ जो ऐसे ही करते हैं, तुरंत मैसेज के रिप्लाई किए फिर मोबाइल डेटा ऑफ कर देंगे। होता क्या है कि जब आप
मैसेजेस देखते हो, आपने दो के रिप्लाई करे तो तीन के और आ जाएंगे आपको ऑनलाइन देख के, फिर उनको लगेगा यार, फिर आप पे ना एक मोरल जिम्मेदारी बन जाती है यार, अब मैं इसका रिप्लाई नहीं करूंगी तो ये गुस्सा हो जाएगा, ये गुस्सा हो जाएगी, अरे ऑनलाइन रह के भी मेरा रिप्लाई नहीं करा। और कई बार ऐसे लोग होते भी हैं जो ये लिख देते हैं, मुझे लोग लिख देते हैं ऑनलाइन रह के भी रिप्लाई नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहे हो क्या, क्योंकि लोगों को पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। इससे अच्छा आप देखो, आप, मैं तो कहता हूँ मोबाइल का डेटा ऑफ करो, फिर मैसेज देखो, फिर देखो किस किस के रिप्लाई करने थे, उनके रिप्लाई करे, फिर ऑन करके फिर रख दो फोन। ये सही आइडिया सर, मैं तो हमेशा यही करता हूँ, नहीं तो आपको क्या होगा कि आप एक उस चैन में फंस जाओगे। उसने पूछा, आजकल लोग एक बारी में पूछते भी नहीं, पहले कोई पूछेगा हेलो, फिर आप लिखोगे हाय, क्या चल रहा है, फिर आपने कहा फाइन, एक लंबी ऐसी कड़ी। हर आदमी ये चाहता है कि हम उसको 10 मैसेज में बताएं, अरे हम काम के लिए फोन का इस्तेमाल करें ना, जिस चीज के लिए आपको, अगर कोई काम है आपको मेरे से 250 रुपए का पेटीएम चाहिए तो सीधे बोलो ना भाई कि मोबाइल रिचार्ज करना है, आप इतना घुमा क्यों रहे हो, और भाई क्या चल रहा है, तेरा तो सब सही चल रहा है, ऐसे बोलते होंगे, और तू तो अच्छा छाप रही है, कर क्या रहते हैं वो, एक्चुअल हम उस पॉइंट से ही भटक जाते हैं जो जरूरी होता है। तो चले, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, और मैं चाहता हूँ हर एक विद्यार्थी को कि देखिए कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी हैं, और ये तभी बन पाती हैं, इन सब चीज़ों की भी हमें आदत डालनी पड़ती है। हम आज जितनी देर पढ़ने की आदत डालेंगे, कल को हम उसे और 15 मिनट बढ़ा सकते हैं। जैसे हम जिम जाते हैं तो आज हम 5 किलो का डंबल उठाएंगे और फिर ऐसे करके बॉडी बन जाएगी, मैं कभी गया नहीं वैसे, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है कि आप 10 का उठाते, धीरे धीरे करके आदत पड़ती है। तो ऐसे हर चीज़ की है, लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम जिम भी जाते हैं तो पहले दिन ही हम 20 किलो उठा लेंगे, और हमें लगता है हाथ क्या ना सूज जाते हैं, हमें लगता है बॉडी बन गई 20 से, और फिर वो 2-3 दिन 4 दिन इतना दर्द होता है कि फिर हम जाते ही नहीं और कंसंट्रेशन टूट जाती है। जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं ना तो पहले दिन बहुत हाई एनर्जी रहती है, बहुत जोश रहता है, और उस दिन हम सोचते हैं बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन वो एनर्जी डाउन होती रहती है, जब हम कम पढ़ते हैं तो हम खुद डिमोटिवेटेड होते रहते हैं। तो आपको ये भी बैलेंस बना के चलना है कि स्टार्टिंग छोटे स्लॉट से करनी है, फिर उसको बढ़ाते जाना धीरे 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 धीरे, किसी भी चीज में। जब आप प्यार में भी पढ़ रहे हो तो हम स्टार्टिंग में इतना पागल हो जाते हैं, और बाद में फिर हमें वक्त देना या वक्त लेना दूसरे से मुश्किल लगने लगता है, फिर रिश्ता खत्म हो जाता है। तो किसी भी चीज की शुरुआत धीरे से हो और टॉप तक जाए, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, और फिर जब उस चीज का अपना अलग मजा है। बड़ी कमाल की बात आपने पूछा, हर चीज एक संग नीचे गिर जाओगे, बिल्कुल कमाल कमाल की बातें पूछी बेटा आपने, बहुत अच्छा लगा हमसे आपसे बात करके, और आप इसी तरीके से पढ़ाई करती रहे और जल्दी सिलेक्शन लेके मिले, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैंने सर जैसे आपकी जो मतलब 88 डेज वाली वीडियो थी सर, वो 88 डेज मैंने लाइव भी देखा था, 88 डेज एक कोर्स था, तो आपका वो जो 88 डेज मेन सीरीज देखा उससे काफी कॉन्फिडेंस आया।